बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, हमें हर पल मालिक के नाम का सुमिरन करना चाहिए। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, घूमते फिरते, नहाते धोते, काम करते करते, जब भी समय मिले तब उस मालिक का नाम, यहाँ तक कि सोच जाते वक्त भी वो एक परमात्मा की याद हो, हर पल परमात्मा का नाम जाप चलता रहना चाहिए। उसके नाम के लिए कोई दिन समय घड़ी निश्चित नहीं है, रात हो या दिन जब चाहो, बस कुछ भी करो लेकिन इस मन को मालिक के प्यार में लगाए रखो, तभी मालिक तक पहुंचा जा सकता है। यही एक सरल रास्ता है जो परमात्मा तक आपकी पुकार, आपकी गुहार सुना सकता है। अगर ये करने में सफल हैं, अगर आप ये करने में सफल हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके रास्ते से विचलित नहीं कर सकती। विश्वास कीजिए, करके देखिए, बहुत दया है उस मालिक की अपने हर जीव पर, वो खुद आपके इंतजार में बैठा है। मालिक को पुकार कर तो देखो, एक बार अपना कह कर तो देखो। गुरुमुखो, ऐसे ही एक शख्स सुबह सवेरे उठा, साफ कपड़े पहने और सत्संग भवन की तरफ निकल गया ताकि सत्संग का आनंद प्राप्त कर सके। चलते चलते रास्ते में ठोकर खाकर गिर पड़ा, कपड़े भी कीचड़ में सन गए। वह वापिस घर आया, कपड़े बदल कर फिर सत्संग भवन की तरफ रवाना हुआ। फिर ठीक उसी जगह ठोकर खाकर गिर पड़ा, पुनः घर आकर कपड़े बदले और फिर रवाना हो गया। जब तीसरी बार उस जगह पर पहुंचा तो क्या देखता है कि एक शख्स चिराग हाथ में लिए खड़ा है और उसे अपने पीछे चलने के लिए कह रहा है। इस तरह वह शख्स उसे सत्संग भवन के दरवाजे तक ले आया। पहले वाले शख्स ने उससे कहा कि आप भी अंदर आकर सत्संग सुन लें, लेकिन वह शख्स चिराग हाथ में थामे खड़ा रहा और सत्संग घर में दाखिल नहीं हुआ। दो तीन बार इनकार करने पर पहले शख्स ने पूछा, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? दूसरे शख्स ने जवाब दिया, क्योंकि मैं काल हूं, इसीलिए मैं नहीं आ रहा। यह सुनकर पहले वाले शख्स की हैरत का ठिकाना ना रहा। काल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं ही था जिसने आपको जमीन पर गिराया था। जब आपने घर जाकर कपड़े बदले और दोबारा सत्संग घर की तरफ रवाना हुए तो भगवान ने आपके सारे पाप क्षमा कर दिए। जब मैंने आपको दूसरी बार गिराया और आपने घर जाकर फिर कपड़े बदले और फिर दोबारा सत्संग भवन आने लगे,
तो भगवान ने आपके पूरे परिवार के गुनाह क्षमा कर दिए। मैं डर गया कि अगर अब की बार मैंने आपको गिराया और आप फिर कपड़े बदल कर चले आए, तो कहीं ऐसा ना हो कि भगवान आपके सारे गांव के लोगों के पाप क्षमा कर दें। इसीलिए मैं स्वयं यहां आपको पहुंचाने आया हूं। अब हम देखें कि उस शख्स ने दो बार गिरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और तीसरी बार फिर सत्संग भवन पहुंच गया। और एक हम हैं, यदि हमारे घर पर कोई मेहमान आ जाए या हमें कोई काम आ जाए तो उसके लिए हम सत्संग छोड़ देते हैं, भजन सिमरन जाप छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जीव अपने भगवान से ज़्यादा दुनिया की चीज़ और रिश्तेदारों से प्यार करते हैं, उनसे ज़्यादा मोह है। इसके विपरीत वह शख्स दो बार कीचड़ में गिरने के बाद भी तीसरी बार फिर घर जाकर कपड़े बदल कर सत्संग भवन चला गया। क्यों? क्योंकि उसे अपने दिल में भगवान के लिए बहुत प्यार था। वह किसी कीमत पर भी अपनी बंदगी का नियम टूटने नहीं देना चाहता था। इसीलिए काल ने स्वयं उस शख्स को मंजिल तक पहुंचाया जिसने उसे दो बार कीचड़ में गिराया और मालिक की बंदगी में रुकावट डाल रहा था, बाधा पहुंचा रहा था। इसी तरह हम जीव भी जब भजन सिमरन पर बैठे तब हमारा मन चाहे कितने भी चालाकियां करे, तब हमारा मन चाहे कितनी भी चालाकियां करे, कितना ही बाधित करे, हमें हार नहीं माननी चाहिए और मन का डट कर मुकाबला करना चाहिए। एक दिन हमारा मन स्वयं हमें उठाते हुए उसमें रस लेगा। वह मालिक आप ही हमारे काम सिद्ध और सफल करेंगे। मालिक आप ही हमारे सारे काम सिद्ध और सफल करेगा। इसलिए हमें भी मन से हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहने चाहिए।